पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी बंद कर दिया गया है। आइए हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं कि आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को जो है 6000 प्रति साल आपको दिए जाते हैं। जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपको अगला किस्त नहीं जाएगा। तो यहाँ पे केवाईसी दो तरीके से किया जाता था, एक जो है आधार ओटीपी बेस के द्वारा, एक जो है ऑथेंटिकेशन फिंगर के द्वारा आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं, जो कि सीएससी सेंटर से किया जाता था। लेकिन बहुत सारे किसान का जो है यहाँ पे आधार में मोबाइल नंबर लिंक होने के कारण से वो घर बैठे जो है आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए केवाईसी कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टेम्पररी बैन कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है कि अब आप लोग जो है आधार के द्वारा, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसके जरिए जो आप केवाईसी करते थे पीएम किसान में, आप लोग जो है अब नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे हम इसको जो है टेम्पररी बंद कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी दिन कोई भी महीने नहीं बताया गया है। ये हालांकि टेम्पोररी ये सर्विस बंद रहेगा। तो आप लोग जो है किस तरह से आप केवाईसी करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाइए, वहाँ पे जो है आप केवाईसी करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है लास्ट डेट जो था 31 मार्च था, आज है 31 मार्च, लेकिन इसको बढ़ा के 31 मई कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्यों किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो केवाईसी करने में एक तो ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा था, एक तो सर्वर इशू का प्रॉब्लम आ रहा था, एक आधार का जो है जो आधार बेस्ड ओटीपी के द्वारा हम लोग जो केवाईसी कर रहे थे तो सही तरीके से आधार के जरिए ओटीपी पहुँचता भी नहीं था। तो यहाँ पर मान सकते टेक्निकल इशू, सर्वर इशू मान सकते हैं, या आधार ओटीपी के रिलेटेड प्रॉब्लम मान सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिन तक ये सर्विस बंद रहेंगे। आप लोग जो आधार के जरिए, आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए आप लोग अभी केवाईसी नहीं कर सकते हैं। जो केवाईसी कर लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जाइए अपना सीएससी सेंटर नज़दीकी जो है वहाँ से जाके आप केवाईसी करा सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।